किसी को इक्वल टू अल्लाह नहीं मान रहे और किसी को उसका पार्टनर नहीं मान रहे, किसी को उसका सिमिलर नहीं मान रहे, तो देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ शिर्क. आई थिंक शिर्क फिज़ात इज वेरी क्लियर नाउ टू यू एंड तौहीद फिज़ात बोथ. नेक्स्ट आई टोल्ड यू तौहीद फिल सिफात एंड तौहीद फिल सिफात, दिस इज पेज 59, एंड तौहीद फिल सिफात. अब फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन एट्रीब्यूट्स वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, अलमाइटी अल्लाह एट्रीब्यूट्स हैं. सिफात का तो आइए मेंशन, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये ज़ात के साथ सिफात भी हैं. यहूद के बारे में उनका उन्होंने कहा उज़ैर और इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, उसकी सिफात के अगेंस्ट इट इज़ शिर्क. क़ालत अन्नसारा अलमसीह इब्नुल्लाह, मसीह अल्लाह के बेटे हैं, नो. तौबा वर्स नंबर 30 अगेन, कुल इनकान अली रहमान वालदुन फाना अव्वलुल आबिदीन. अगर अल्लाह का कोई और बेटा होता, अल्लाह का कोई बेटा होता, इफ़ देयर वाज एनी सन चाइल्ड, तो सबसे पहले आई वुड हैव वर्शिप्ड हिम, उसकी इबादत मैं करता. नफ़ी है ये सिफात में कि वो लम जलिद वलम यूलद है, इसलिए लम यकुल्लहु कुफ़वन अहद, उसकी कुफ़वन नहीं है, उसका उसके कोई सिमिलर और इक्वल नहीं है. इस तरह अल्लाह की और सिफात हैं, अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, इज़ द क्रिएटर ऑफ़ द यूनिवर्स. 35 इसको देखेंगे, पेज 35. फॉर एग्ज़ाम्पल आलमाइटी अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ़ द यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ़ अर्थ, क्रिएटर ऑफ हेवंस, क्रिएटर ऑफ़ जन्ना, क्रिएटर ऑफ़ द होल वर्ल्ड, ये उसकी सिफात हैं, खालिक है. अब देर आर मैनी वर्सेज अल्लज़ी ख़लक़ अस्समावात वल अर्ध फ़ी सित्तत अय्याम, अल्लाह ने ज़मीन आसमान पैदा किए, क्रिएटेड. अब हाउ डज इट बिकम शिर्क, सिफात में, उसकी सिफात है कि इज़ खालिक ऑफ द वर्ल्ड, खालिक ऑफ द यूनिवर्स. अगर किसी के बारे में यू हैव एन अकीदा कि ये कायनात का खालिक है, ये भी पार्टली इतना हिस्सा कायनात का इसने क्रिएट किया, सो दिस इज पार्टनरशिप एंड शिर्क. फॉर एग्जाम्पल देर आर 7 हेवन्स, क्योंकि एक हेवन इसने बनाया, 6 अल्लाह ने बनाए, ये आसमान अल्लाह ने बनाए, एंड अर्थ वॉज क्रिएटेड बाई दिस वन, या इंसान अल्लाह ने बनाए, उनको खालिक अल्लाह है, और हैवानों को एनिमल्स को फलाने बनाया. वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, वो खालिक है. तो अगर ये आप कहते हैं खालिक में, तो इट बिकम्स शिर्क. अगेन बी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव टू बी स्पेसिफिक एंड डिफाइंड. इस तरह वो क़यामत का बपा करने वाला है, कलम हिल बसर, एक लम्हे में क़यामत आ जाएगी जब उसका हुक्म होगा. ही सेज कौन फ़यकून, क़यामत आ जाएगी, क़यामत उसके हुक्म पर आएगी, क़यामत बपा करेगा, सारी ज़मीन आसमान को ख़त्म कर देगा, अदम हो जाएगा. अगर कोई अकीदा रखे कि हाँ कोई और भी फुलां भी क़यामत पैदा कर सकता है, ज़मीन सूरज चांद सितारे पैदा कर सकता है, आसमान पैदा करते, जन्नत को हुरों को आसमान को दोजख को कोई फलां ने पैदा किया है, या क़यामत को फलां भी पैदा कर लेगा, ये सिफत है ना उसकी, ये शिर्क हो जाएगा. अल्लाह की सिफत है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, माओ के रेमों में वो पैदा करता है बच्चा, और उनको जो शक्ल देता है अल्लाह ताला, मिन नुत्फतिन अमशाजिन नबतली, उसने नुत्फा मिक्स फ्लूइड से पैदा करता है. फला खलकनल नुत्फत मुदगतन फखलकनल मुदगत इज़ामन फखलकनल इज़ाम लहमा फकसौनल इज़ाम फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अनशाना खलकन आखर. तो ये इन चीज़ों का अल्लाह खालिक है. फलक फखलकना फखलकना फखलकना, कोई अकीदा रखे कि पार्टली नहीं, ये चीज़ें फलां करता है पैदा, वो भी कर सकता है, चलो वो भी क्रिएट कर सकता है. तो क्रिएशन अल्लाह की सिफत है, कोई इसमें शरीक मान ले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रबूबियत में मान ले, मालिक यौमिद्दीन वो यो रोम जजा का द डे ऑफ जजमेंट का उसका मालिक है, तो कोई कहे कि फलां भी क़यामत के दिन का मालिक, तो ये उसकी सिफत है. दिस इज हिज एट्रीब्यूट, एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट. तो दिस वुड बिकम शिर्क इन सिफात. इस तरह वो राज़िक है,
ही इज द चेरिशर, सस्टेनर, वो रिस्क देता है, सस्टेनेंस देता है. कोई कहे कि फलां भी राजिक, अल्लाह को भी मानता हूं मगर अल्लाह ने फलां को भी राजिक बनाया है, इट वुड बिकम शिर्क. कोई किसी को मानता है राजे के कायनात, खाले के कायनात, जी इवन सबसे बड़ा मुसलमानों का अकीदा इज्जत एहतराम और अदब का किसके बारे में है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. कभी ना किसी ने कहा हो, अकीदा रखा हो कि हुजूर राजे के सारी कायनात के वो भी राजे के हैं? कोई कहता है? बेवकूफ़ी होगा जो कहेगा. वी हैव नेवर हर्ड. लिहाजा शिर्क फिर ज़ात भी ना हुआ और शिर्क फिर सिफात भी नहीं. वो माबूद बरहक है, इबादत के लायक है, ये उसकी सिफत है माबूद. अगर कोई कहे कि फला और भी इबादत के लायक है, इट इज़ शिर्क. वो नबूवत अता करता है, नबी मुकरर करता है, रसूल मुकरर करता है और फिर नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म करता है, उसने ख़त्म किया. तो दिस इज़ एट्रीब्यूट, एक्सक्लूसिव सिफत है उसकी. तो कोई कोई कहे कि यानी फलां भी नबी बना सकता है, इतने नबी अल्लाह ने भेजे और इतने नबी फलां ने भेजे, इतने रसूल अल्लाह ने बनाए और 15 रसूल आउट ऑफ 314 फलां ने बनाए, इट विल बिकम शिर्क. मगर कोई दुनिया में कोई पागल भी ऐसा कि हाँ पागल तो रख सकता है. यह वर्ल्ड वो एक लतीफ़ा, एक शख्स जेल गया, दिस फाउंटेन हाउस द हॉस्पिटल फॉर साइकेट्रिक पीपल पेशेंट्स. तो गया तो एक को उसने पूछा तुम्हें क्यों दाखिल कराया है? या उन्होंने कहा मुझे लोग पागल हैं. उन्होंने कहा तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं कहता, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि मुझ पर वही आती है, मुझ पर वही आती है, माजल्ला मैं नबी हूँ, मुझ पर वही उतरती है, सिर्फ मैं ये कहता हूँ. तो ये पागल हैं लोग, इन्होंने मुझे पागल खाने में दाखिल कर दिया. तो एक और पागल उसके करीब था तो ही केम देयर रनिंग, दौड़ता हुआ है. उसने कहा ये झूठ बोलता है, मैंने वही भेजी नहीं कभी इसकी तरफ. आई हैव नेवर सेंट जिब्राइल टू हिम एंड आई हैव नेवर रिवील्ड ऑन हिम, ही इज टेलिंग लाइ. उसने कहा अब सारों को सारे ही सच्चे. सो ये अल्लाह के एट्रीब्यूट्स है. नो वन कैन सेंट रेवल्यूशन टू एनी वन, नो वन कैन सेंट जिब्राइल एंड एंजल्स. तो ये अल्लाह के एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स हैं और देर मे बी मैनी अदर. यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो ये उसका उसकी सिफात हैं. इसी तरह उसके कुछ खसूसी असमा है जैसे रहमान है और भी उस तरह बात बेशुमार असमा है जो अल्लाह के खास हैं. एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स, दीज आर द सिफात. कोई शख्स अगर उनमें पार्टनर माने और किसी को इक्वल माने और वो एस्टेब्लिश करे फॉर अदर्स, देन दिस वुड बिकम शिर्क फी सिफात. और अगर दिस इज नॉट योर फेथ एंड अकीदा, देन नो एलिगेशन ऑफ शिर्क फी सिफात कैन बी एट्रीब्यूटेड, दिस वुड बी रॉन्ग. अब वो बाद में बता देंगे कि जब मैं तरफ आऊंगा, जब अदर एस्पेक्ट. अब सिफात में ही बात हो रही थी और उसको चाहे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे वी गेव सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन क़दीर व यकून रसूल अलैकुम, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन शहीद शहीदा और व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, इन्नल्लाह कान अला कुल्ले शैइन शहीदा व यकून रसूल अलैकुम शहीद, दोनों हैं, दोनों चीज़ें हैं. वो भी है, ये भी आए थे, वो अल अहज़ाब में है जो मैंने अभी पढ़ी. इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम और बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, वसमी नऊ वसमी अलबसीर और फजाल नाव समी बसीरा. मैंने तीन एग्जाम्पल्स दी, वट अबाउट दिस? तो इसका समझ लें. अब ये देखा, ये शिर्क फिर सिफात नहीं हुआ. आल दो सिफात आर कॉमन, देर इज़ ए कॉमनैलिटी बिटवीन एट्रीब्यूट्स, मगर ये शिर्क फिर सिफात नहीं है. आपने देखा द सेम एट्रीब्यूट सेम सिफात एट्रीब्यूटेड टू अल्लाह एंड एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन्स एंड प्रॉफिट्स, बट दिस इज़ नॉट शिर्क. वाई? इसको भी साथ ही वी शुड अंडरस्टैंड द रियलिटी. डिफरेंस ये है, एज आई टोल्ड, इफ द एट्रीब्यूट वॉज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ अल्लाह, एन एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट इन नेचर, यू हैव टू स्पेसिफाई इट्स नेचर, इट्स एप्लीकेशन, इट्स लिमिटेशन, इट्स मीनिंग, इट्स इंग्रीडियंट्स, इट्स कॉन्सेप्ट क्लियरली.
What is the actual status of this attribute for Allah? If this is the attribute of Allah, Allah ki sifat hai, to iska real status or nature kya hai? Aur jab same attribute is established for a humans or makhluk, makhluk aur nabi ke liye, then you have to differentiate between the two. Ki agar this attribute is also proved for other one, makhluk ke liye, to in what sense, in what meanings, in what application, in what specification? So if you differentiate between the two, then tawheed remains intact and there is no shirk. So jab Allah, what difference between, jab Allah ke liye kaha ke wo shaheed hai, ya rauf hai, ya rahim hai, ya sami wa basir hai, instead of going in too many details, just only one basic difference would be sufficient for you. Kya? Ke Allah ki ye sari sifatein, when you accept it, nobody has rendered these attributes on him. Nobody has conferred these attributes on him. Nobody has created these attributes for him. Nobody has given these characteristic attributes and qualities to Almighty Allah. Ye uski sifat zaat hain. Sifat zaat bhi qad, ye sifat bhi zaat hain aur qadeem hain. Kya hai? Qadeem. Jab se Allah hai tab se wo shaheed bhi hai, tab se wo rauf bhi hai, tab se wo rahim bhi hai. Koi aur tha makhlooq ya nahi tha? Uski tamam attributes hain right from his being. اور مخلوق کی جتنی ایٹریبیوٹس ہیں وہ جب مخلوق پیدا ہوئی تو پیدا ہونے کے ساتھ اس کو ملی. تو دیر واز اے ٹائم جب وہ مخلوق خود ہی موجود نہ تھی, سو اس کی صفات ایٹریبیوٹس بھی نہ تھی. پھر اللہ کی ذاتی ہیں, ان گیون, ہز اون, اور مخلوق کے لیے, ہیومنز یا پروفٹس کے لیے, دیز آر گیون, عطائی ہیں. اس کی صفات ہیں بالذات, صفت بالذات, اور یہ صفت بالعطا. ہز ایٹریبیوٹ از بالذات, صفت بالذات اور صفت بالعطا. بھائی اللہ از کنفرنگ, اللہ از کنفر دس, اللہ از بلیسڈ someone with this attribute, with this blessing. Or Allah, nobody has blessed Almighty Allah with this attribute. So uski bhi zaat hain, wo exist karti hain with his own being right from the beginning, and he has no beginning. And here is a beginning, here is an end. Ginte chale aaye bete. Number one, uski bhi zaat hain, boliye. Number one, humans or creation or peghambar ke liye, all attributes which apparently seem to be common, they are bil ata, given. Ek fark. Number two, wo unki beginning nahi hai, there is no beginning and there is no end for his attributes. La ibtida wa la intiha. La ibtida wa la intiha. Wo wajib hain. اس کی صفات کیا ہیں؟ واجب ہیں. نو بگننگ اینڈ نو اینڈ. اینڈ دے آر ڈیفینیٹ, سرٹن. اور آل ایٹریبیوٹس وچ آر پریزنٹ ان پروفٹس, ان سینٹس اینڈ ان ہیومنز اینڈ ان دی کریچر, وہ پروبیبل ہیں, وہ واجب ہیں, یہ ممکن ہیں. دے آر ڈیفینیٹ, دیز آر پروبیبل. They are قدیم, these are حادث. اس کو نمبر ون ٹو تھری کریں گے نا بیٹے, تاکہ آپ کو چارٹ آف ڈفرینس آ جائے. یو شوڈ میک اے چارٹ آف ڈفرینس اس کے لیے کہ وین ایور دیر از کامنیلٹی آف ایٹریبیوٹس, وائی دس از ناٹ شرک اف دس از دا ڈفرینس بٹوین دا ٹو. فار ہم, فار ہز ایٹریبیوٹس دیر از نو بگننگ, ہیئر از اے start and commencement, beginning.
For his attributes there is no end. They will never be ceased. Right? Attributes of the creator, attributes of Allah, and attributes of the creation makhluk. And next, agli maine bataya tha, bil ata aur bil zaat. Uske baad maine bataya ke ye us waqt tak hain makhluk ke liye jab tak Allah chahega. If he wants to finish, to reduce, to enhance, he can do that. Allah's attributes are neither finishable, nor reductible, nor enhanceable. Reduct ho sakti hai, reducible nahi hai, they are not reducible, not enhanceable, and not finishable. They are not finished. His are the permanent and qadeem, as I said. Makhlooq ke liye finishable bhi hai, reducible bhi hai, enhanceable bhi hai. Next, all attributes Allah ke liye wo awwal se akhir tak kamal hi kamal hai. It is all attributes of Almighty Allah are complete and perfect from their beginning. There is no graduality. They didn't achieve the perfection through a gradual process. Usme tadreej nahi hai. Here is tadreej. Tadreej nahi hai. Yani gradual process. Yani anbiya, nabiyon mein, waliyon mein, jo kuch unke paas hota hai, Allah deta hai, hota hai. एक चीज अभी नहीं दी नहीं होगी फिर उसके बाद अल्लाह अता करता है और आ जाती फिर अल्लाह और अता करता है लाइक चाइल्डहुड जवान होता है फिर और जवान होता है फिर जवान होता है फिर 40 इयर्स होता है स्टेज बाय स्टेज यू गो ऑन गेटिंग द थिंग्स एंड यू जस्ट ट्रेवल टुवर्ड्स योर कंप्लीशन एंड परफेक्शन अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती आज तुम पर मैंने अपनी नेमत ब्लेसिंग आई हैव कंप्लीटेड माय ब्लेसिंग ऑन टू यू तो इन द सेम वे द ब्लेसिंग्स ऑन प्रॉफिट्स एंड सेंट्स गो ऑन इंक्रीजिंग वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला एवरी टाइम द लास्ट मोमेंट व्हिच कम्स आफ्टरवर्ड इज बेटर देन द प्रायर वन प्रीवियस वन सो द मोर यू ग्रो ओल्डर मोर यू बिकम सीनियर अल्लाहस ब्लेसिंग्स बिकम इंक्रीजिंग The more you become perfect and complete. So here is a process of graduality. Ek tadreej hai. Takmeel hai. Kya? Idhar takmeel hai. Udhar kamal hai. Az khud. Kamal mutlak hai. Idhar jo sifat hain, these are qualified. Muqayyad hain. With certain limitations. With certain limitations, and Allah's attributes are mutlak, they are absolute. Allah's are mutlak and la ghair mahdood, la mahdood, absolute and unlimited. Absolute and unlimited. Definite for, you say, for wajib, Allah's attributes are definite, these the other sense. You understand? The wajib. Unchangeable. So his are absolute, unqualified, no qualifications, unlimited, and attributes of the prophets and saints and other humans and all creation, they are limited. As far as Allah is concerned, as against to Allah's attributes are limited. Against us, again unlimited. Holy Prophet's attribute against us, against the whole universe, against the whole world and humans, unlimited. As compared to Allah, are limited. So this is, this word limited, again, relevant to us. It is a relative word. It is relative. So we will say, Holy Prophet's ilm and Holy Prophet's attribute is kul. His knowledge is kul. At the same time, his knowledge is juz. His knowledge is kul.
एंड हिज नॉलेज इज जुज, हिज नॉलेज इज टोटैलिटी, हिज नॉलेज इज टोटैलिटी एंड हिज नॉलेज इज पार्ट, हिज नॉलेज इज ऑफ ऑल द थिंग्स एंड हिज नॉलेज इज पार्शियल. व्हाई दीज टू थिंग्स एज कंपेयर्ड टू द क्रिएशन एंड क्रिएचर्स, He holds the total knowledge, kul ilm hai, as compared to ma kana wa ma yakun, as compared to dunya, as compared to world, as compared to universe, as compared to people, as compared to the whole creation. He is kul in attribute. And amongst the creation, makhlukat ke andar, if there is a comparison within creatures, then he is kul and we are parts. And if you want to compare his knowledge and attributes with Allah, Almighty Allah, then he is kul in real sense, and Holy Prophet and all creation are juz in attributes. This is just to explain. Someone say, as Holy Prophet's knowledge comprehends the whole universe, Holy Prophet's knowledge comprehends the whole of universe, right from ma kana wa ma yakun, his knowledge comprehends the whole world. But as compared to Allah's knowledge, maybe just an example, his knowledge is just like a drop as compared to seven oceans. A drop as compared to seven oceans. And maybe you can say, ocean, seven oceans, many oceans, one side, and just one drop of an ocean, one side. Maybe he may be a very small part of that drop as compared to the knowledge of Allah. Why? Because his knowledge has no limits. And here are the limits. Within limits, he possesses the kull of knowledge for makhluk. You understand the point? Sometimes these words are used and misunderstood, wrongly conceived. So the basic thing, we are comparing the attributes, same attributes allocated to the humans and prophets, and attributes allocated to Almighty Allah, and there is commonality. So in spite of this commonality, we are saying that this is not a shirk. The question is why. This is the reason. They say bil ata and bil zat, the same thing. And he is dependent. So Almighty Allah has made the human being samiyo basir. Up to what extent? Jitna usne chaha. Jitna wo sun sakta hai, wo sun. Aur phir bura hota hai, to uski samajh jati hai, becomes deaf and dumb and blind. There is a possibility of becoming deaf and dumb and blind. But no possibility for Allah's samiyo basir. He becoming deaf and blind, and because he doesn't grow old. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. So there is no decrease. There is no. And here is the possibility of decreasing and possibility of increasing. With Allah's blessings and with Allah's wrath. So bil mu'mineen raufur rahim. Mu'mineen ke liye raufur rahim hai Huzur sallallahu alaihi wasallam. Pabandh kar diya mu'mineen ke liye. اور اللہ رحیم ہے, الرحمن الرحیم, کیا؟ اور فور ہولی پروفیٹ ہی اسٹیٹڈ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ساری کائنات کے لیے رحمت. وہ بھی رحیم ہے, حضور بھی رحمت ہے ساری کائنات کے لیے, فار ایوری تھنگ ان دس یونیورس. دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو از دیٹ ہیئر دا Ma arsalnaka, we have made you the mercy for the whole universe. So since Allah has made, he can make someone whatever he wants except Allah. He doesn't make anybody Allah. He won't create in you God. He won't create in you God. Less than, leaving the Godship apart, among his creation, he can give any status to anyone. He can upgrade anyone to any extent. He can raise the status to up to any higher place with his blessings.
unlimited blessings. There is no check and balance on him. So that's why he can make somebody Rauf, he can make somebody Rahim, he can make somebody Shaheed, he can make somebody Qadir, whatever he wants. That's why you see now the glorious and divine names of Allah and names of Holy Prophet, the 99. You will find many, many names common in both charts. You go and you will find now. Ab dekhen aap, wo 99 names of Allah and 99 names of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Do you know these names? Now you check this thing, you will see many names common. For example, Holy Prophet is Awwal and Akhir. Holy Prophet is Almighty Allah is Huwal Awwal Wal Akhir. And Holy Prophet Muhammad also enjoys the attributes of Awwal and Akhir. It is in Hadith. Ana Awwaluhum Khalqan wa Akhiruhum Ba'd. میں پیدائش تخلیق میں in my creation I am the first one and in my raising بیست coming here in as a prophet is the last one. So اول آخر کا معنی بدل گیا نا, meanings have been changed. So یہ ہوتا ہے, that's why it doesn't become shirk. Application, meaning, limitation, nature change ہو جاتی. تو یہ اس کی صفات reasons one. Same thing applies in afal. So ye aagaya tawheed e sifat. It is complete. Are you clear? MashaAllah. Then comes tawheed e afal. Isme aaye the dekhe. For example, inna ma amru iza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun. Allah's amr kya hai ki maine intends to create anything, he says kun and it comes into existence. About the whole world. Avalam yarau anna Allah allazi khalaqa samawati wal ard qadirun ala an yaqum mislahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fi. So there are many other verses in Holy Quran discussing the various af'al of Almighty Allah, of his creation and other af'al. So if there is any partnership in af'al, in the same way as I mentioned the attributes. Attributes means that these are in worlds. Sifat are the worlds. Then the same, every sifat contains an action. Allah is a Rabb. Why? Because he cherishes the world. So his cherishing is the way of his cherishing. This is fi'l. And his being cherisher is his sifat and attribute. He is raziq. This is sifat. Tawhid fi sifat. His attribute. The way he gives rizq. Jaise in Holy Quran, Allah har ek ko rizq deta hai. Kis kis ko kaise rizq deta hai. Is tarah kis tarah Allah paak asman se pani utarta hai. Nazala min samaa'i ma'an. Kis tarah zameen murda ko zinda karta hai. The things grows and becomes. All these things which have been mentioned in connection of the rivers, in connection of the oceans and seas, in connection of the rains, in connection of animals. Ye karta hai, ye paida karta hai Allah Pak bachcho ko maa ke rahe mein, yusufirikum fir aram mein. All these things are his acts. Yarzukum min samaa, is tarah Allah Pak asman se deta hai rizq tumhe. Ye utarta hai. Ye tamam cheezein. Amman yabda'u al-khalqa, for example. ثُمَّ وَمَنْ جَرْزُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَاهُمْ إِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Who has created this world? Fail hai create karna. يَبْدَعُ الْخَلْقِ. Who will again repeat the creation? Who is the one who cherishes and gives rizq to you from the heavens and from earth? All these things, these are Allah's action has been mentioned. This is verse number Surah Naml, An-Naml, verse number 64. An-Naml, verse 64. Again, Almighty Allah says, أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Who is there who guides you in the darkness of the deserts, in this world and in rivers?
وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا, اور کون ہے جو ہواؤں اپنی رحمت سے قبل ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے. یہ ساری نشانیاں بین یدی رحمت ہی بیفور دا رینز. اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ, اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس کے یہ ایکشنز ہوں, جس کے who has these actions, answer is no. Then why do you commit shirk? This is the An-Naml again, verse number 63. Verse number 63 and first one was verse number 64. Inna Allah yahdi man yasha, He provides you the guidance, jisko chahta hidayat deta hai. Amman yudibul muttarra iza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard. اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ قَلِیلًا مَا تَذَكَّرُونَ. سورہ ورس نمبر 62, کون ہے جو جب تم پکارتے ہو پریشان, انہیں جو ان اسٹیٹ آف گریویٹی, ان اے پرابلم, ان اے ویری ڈیفیکلٹی, دین یو کال آلمائٹی اللہ اینڈ ہی ہیلپس یو اینڈ ہی ریموز آر برڈن اینڈ پرابلم فرام یو. ورس نمبر 60, سورہ النمل. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ. All actions have been mentioned. In some places the attributes have been mentioned. Then said, ہے کوئی اور خدا, is there any الہ, the Lord and the Cherisher and the God other than him? Actions have been mentioned. On who? On who has created the heavens and the earth, and who sends you down rain from the sky, ye with it we cause to grow well planted orchards full of beauty and delight. It is not in your power to cause the growth of the trees in them. Can there be another God besides Allah? He has mentioned his actions and attributes, actions, and then mentioned his tawheed. Again, next verse 61, he says, amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrain hajiza. Or who has made the earth firm to live in? Who has made the rivers in its midst, set their own mountains immovable, and made a separating bar between the two seas? After mentioning all these acts, who have made this, who has created this, who has done this, then he says, can there be another God besides Allah? The answer is no. Most of them know not. So the same verse 64 and then verse 63, 64, 62. So it goes on the subject. And there are many other places, the same kind of subject at dozens and hundreds of places. So these things mentions the actions of Almighty Allah, Tawheed, or Ilahum Allah, this is Tawheed in actions, Tawheed in Af'al, Tawheed fi Sifat, and then Tawheed fil Af'al. Then he says, Ilahum Allah, can there be another God besides Allah? No. This is Tawheed fi Sifat. Are you clear? Now, what act would become shirk fi sifat and shirk fi af'al? Agar koi ye aqeedah rakhe ke zameen aur asman ko Allah ke siwa koi aur paida kar raha hai, asman se barish koi aur utar raha hai, zameen se paude, faslein, green orchards aur koi aur trees koi aur uga raha hai, ya uga sakta hai ya ugata hai, ye uska kaam hai, this will become shirk fi افعال. قرآن نے کہا, اللہ نے کہا کہ زمین کو میں نے رہائش کے قابل پید بنایا. سم بڈی سیز میں بناتا ہوں, یا وہ زمین کو رہائش بنا رہا ہے, زمین کریٹ کر رہا ہے. اللہ نے کہا پہاڑ میں نے قائم کیے. اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ سم بڈی ایلس کین کریٹ اینڈ پٹ دا ماؤنٹینز اینڈ میک دیم امویبل آن دا ارتھ, وہ بھی کوئی اور بناتا ہے دریاؤں کو, سمندروں کو میں نے بنایا, ان کے درمیان سیپریٹنگ بار قائم کی, وہ حدیں قائم کی. Somebody says he is the creator of oceans and seas and creates the separating bars between them, differentiates them. So ye Allah Ta'ala ke attributes and actions hain. Agar koi establish kare, proves kare these actions or these attributes,
समवन एल्स अदर देन अलमाइटी अल्लाह, जैसे ये चीजें बयान करके फिर अल्लाह ने पूछा इलाहु माल्ला, कोई अल्लाह के सिवा और है, यानी इज देर एनी वन हु कुड ऑल्सो डू द सेम थिंग्स, द आंसर इज नो, दैट्स वाई देर इज नो शिर्क फिल अफाल अनलेस दिस अकीदा इज अडॉप्टेड बाई समवन। किसी का ये अकीदा है कि कोई जमीन आसमान कोई और बना रहा है, पौधे, मैंने एज द कुफार, दिस वाज इन फैक्ट विच कुफार है मुशरिकीन एंड कुरैश यूज्ड टू डू, और हिंदुओं का भी है और मुशरिकीन का, ये फलां देता है, ये फलां करता है, बारिश फलां देता है, बेटा फलां देता है, रिस्क का मसला फलां, परेशानी हो जाए फलां, बीमार हो जाए तो शिफा फलां देता है, वैजा मरीज तो फौवा यशफीन, जब कोई बीमार हो जाता हूं तो अल्लाह शिफा देता है। एक जगह फरमाया खाना रिस्क मुझे अल्लाह देता है, बीमार होता हूं तो अल्लाह शिफा देता है, नहीं जानता तो अल्लाह हिदायत देता है, गुमराह होता हूं अल्लाह हिदायत देता है गुमराहों को, जुबान बोलने की अल्लाह ने दी, ऑल दीज थिंग्स दी अल्लाह के एक्शंस और एट्रीब्यूट्स, अगर कोई ये चीज एट्रीब्यूट करे टू समवन एल्स इट विल बिकम शिर्क फिल सिफात एंड शिर्क फिल अफआल, डिपेंड करता है क्या केस, और अगर ये नहीं है तो देन इट वुड बी अनफेयर टू से, फॉर एग्जाम्पल ही सेज अगेन सूरह अल मोमिनून, बड़ा वी शुड बी वेरी क्लियर कि शिर्क कैसे बनता है, ही सेज हुवल्लज़ी, सुने अनशा लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़ईदा, अल मोमिनून वर्स 78 अल मोमिनून, अल मोमिनून सूरह नंबर इज 23, सो ही सेज والذي انشا لكم السمع والافئده والابصار والافئده قليلا ما تشكرون, it is he who has created for you the faculties of hearing and sight and feeling and understanding, little thanks it is you give, up these are the attributes of almighty allah and actions, ki wo kya karta hai, he creates the faculty of hearing, ab agar koi yaqeeda rakhe ki ye samaat allah ke siwa कोई और देता है, बसारत कोई और देता है, अकल और दिल कोई और क्रिएट करता है, ये एट्रीब्यूट करता है टू समवन एल्स, इट बिकम शिर्क फिल अफाल या शिर्क फिस सिफात, वट एवर द केस इज देयर, अगेन इट स्टेटेड नेक्स्ट वर्स 79, हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्द व इलैहि तुशरून, एंड ही हैज मल्टीप्लाइड यू थ्रू द अर्थ एंड टू हिम शैल यू बी गैदर्ड बैक, हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्द, तो उसने जमीन में तुम्हें बढ़ाया और ऊपर बढ़ाया और मल्टीप्लाई किया कसरत के साथ, बढ़ाते गए अल्लाह पाक नस्ल को, नस्लों को, तो अब अगर कोई अकीदा रखे कि ये जो नस्लें बढ़ रही हैं इंसान, ये फलां नबी या पैगंबर या वली या कोई शख्स या कोई बुत या कोई जैन या कोई अथॉरिटी वो करता है, इस दवान ज़ारा आलकुम फिल अर्थ, ज़ारा कुम फिल अर्थ, तो ये शिर्क फिल सिफात या शिर्क फिल हाल होगा, और इफ दिस इज नॉट द अकीदा देन देयर इज नो रेलिवेंस ऑफ लेवलिंग दिस काइंड ऑफ एलिगेशन। नेक्स्ट हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, ही इज द वन हु गिव्स लाइफ एंड डेथ, अगर अकीदा रखे कि ही अदर देन ऑलमाइटी अल्लाह ही इज द गिवर ऑफ लाइफ एंड ही ब्रिंग्स द डेथ, देन इट वुड बी शिर्क फिल अफआल या शिर्क, बट ये अल्लाह के फेल हैं। व इख्तिलाफुल लैल व लहुल इख्तिलाफुल लैल व नहार, ही ब्रिंग्स चेंज इन नाइट एंड डे, अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस अल्टरनेशन। अगेन आलमाइटी अल्लाह सेज कुल लिमन अल अर्द व मन फीहा इन कुंतुम तालमून, टेल टू हुम बिलोंग दिस अर्थ एंड ऑल बीइंग्स देयरिन, हु हैज क्रिएटेड ऑल दिस अर्थ एंड ऑल द बीइंग्स ऑफ अर्थ, वेरियस अपियरेंसेज ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ अल्लाह हैज क्रिएटेड, अगर कोई ये अकीदा रखे तो फिर ये अल्लाह के अफाल हैं, अफाल खासा, इससे शिर्क बनता है। कुल मर रब्बुस समावात इस्सबे व रब्बुल अर्शिल अजीम, से हु इज द लॉर्ड ऑफ द सेवन हेवन्स एंड द लॉर्ड ऑफ द माइटी थ्रोन, इट इज अल्लाह, सो अगर कोई ये अकीदा रखे कि आसमान जमीन का एक चोट वो पैदा कर तो इट बिकम्स शिर्क। सयकूलून लिल्लाह कुल अफला, वो कहते हैं कि अल्लाह, तो फिर क्यों नहीं अल्लाह से डरते, मानते क्यों नहीं। कुल मन बियदिही मलकूत कुल शैयन, से हु इज इट इन हुज हैंड्स इज द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल थिंग्स, सारी कायनात का मलकूत किसके हाथ में, अथॉरिटी अल्लाह।
वह युजीरो वला युजारो अलई हु प्रोटेक्ट्स ऑल बट ही इज नॉट प्रोटेक्टेड ऑफ एनी वन सयकुलूना लिल्लाह वो दे से अल्लाह करता है दे से दे विल से इट बिलोंग्स टू अल्लाह से देन हाउ आर यू डिल्यूटेड यू नो दैट एवरीथिंग इज डन बाई अल्लाह वाई आर यू कमिटिंग शिर्क एंड डिनाइंग हिज अथॉरिटी सो इस तरह ये बेशुमार कुरान मजीद में कोई सूरत उठाएं देखें तो ये यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन होली कुरान तो ये तौहीद फि शिर्क और ये तौहीद फि सिफात और अफ़ाल और तौहीद और शिर्क फि सिफात और अफ़ाल अगेन फॉर एग्जांपल दिस इज इन सूरा अश शुआरा और सूरा नंबर इज 26 अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन वो रब है मेरा जिसने मुझे पैदा किया और वो मुझे हिदायत देता है ये अल्लाह की सिफात और अल्लाह के अफ़ाल हैं अफ़ाल हैं खलक़नी व यहदीन अगर कोई अकीदा रखे कि अल्लाह के सिवा किसी मुझे तो फ़लाँ ने पैदा किया और मुझे फ़लाँ हिदायत देता है देन इट वुड बिकम